मछली मारने गया था, गायब हो गया है। दारू वाला पकड़ के नाव सही थे, मेरा गायब कर दी। दारू माफिया बंद करवा, दारू बंद करवाइए, दारू बंद करवा। हाँ, सरकार कह रही है कि दारू दारू आएगा यहाँ से, कोई लोग हिलेगा नहीं, रात हो या दिन हो, 24 घंटे ही दोनों भाई नहीं मिलता है, ये रोड जो है जाम रहेगा। और आप देख रहे हैं जोश तक न्यूज। अभी मैं गांधी सेतु पटना जा रहा था, उसी बीच यहाँ रास्ते में जो है जाम करके रखे हैं। आइए, पूरी मुद्दा क्या है वो सारी चीज़ मैं यहाँ के आप लोगों को, नागरिक से मैं पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। तो भैया, अभी हम टोटो से आ रहे थे, टोटो आधे रास्ते में घुमा लिया, आखिर यहाँ क्या चीज़ का? ये प्रदर्शन, हमारे बच्चा ये गैब है, ठीक ना, तो इसी का मांग हम लोग, ये लगभग हो गया 16 तारीख को हो गया। 16 तारीख जी, कितने बजे? कितने बजे? सुबह में 4 बजे, 4 बजे सुबह। कहाँ गए थे वो लोग? वो लोग गए थे मछली पकड़ने के लिए, पेट के लिए, पेट हम लोग का पेट चलता है, उससे मछली बजाते हैं, पकड़ते हैं और बेचते हैं। और जो दारू बेचने वाला है सुबह को आया और हमारे भाई को पकड़ करके वो उसने गैप कर दिया। मतलब डेली जाते थे? जी, हम लोग डेली जाते थे, हम लोग का बिजनेस ही वही है। किस दिन और किस दिन? हम लोग का शुक्र का सुबह था, शुक्र का सुबह था, बृहस्पति का शाम था, घर आ गया सैटरडे को। फ्राइडे, फ्राइडे में जो है शाम में कितने बजे पता है? शाम में नहीं, सुबह में 4 बजे। सुबह में 4 बजे जी, सुबह की बात से कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, लास्ट तक नहीं पता चला हम लोग को। कब से ये आप लोग प्रदर्शन? हम लोग प्रदर्शन आज सुबह से 8 बजे से। यहाँ आप देख सकते हैं इनका आधार कार्ड, दो बच्चे जो है यहाँ से गायब हैं, लापता है, यहाँ दोनों का फोटो और आधार कार्ड लगा हुआ है। यहाँ फोकस कीजिएगा आप लोग, कोई बात नहीं हुआ अभी तक, कोई साहब नहीं आए। बड़ा साहब से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि बात हो, हम लोग को मशवरा दे या साथ दे, या कोई तरीके प्रशासन वगैरह नहीं आया? नहीं, नहीं, बड़ा साहब आए हैं लेकिन बड़ा साहब से बात करना है। दारू वाला यहाँ पार करता है, जैसे प्रशासन वहाँ का जो मिला हुआ दारू वाला से, उस पार से लाके पूरा सामान के साथ इस पार उसको उतार देता है, और उतार के लेकर पैसा ले लेता है, चल जाता है। दारू के बारे में क्या हुआ? दारू के बारे में वही, दारू बंद डेली बेचते थे जी जी, पहले से आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं? हम लोग पहले से, इसलिए हम लोग को पेट पे लात पड़ता है, इसलिए हम लोग कंप्लेन करते हैं तो हम लोग को दिक्कत होता है। मछुआरा मारने के लिए जाते हैं, इसी वजह से हम लोग मतलब की ना कर पाते हैं। आप लोग उस दिन नहीं गए थे? जी नहीं, दिन वो दिन गए तो उसी दिन तो उठा लो गया, शुक्र के भोर में आप लोग के सामने हुआ था? नहीं, कोई तो सामने नहीं हुआ, वो दोनों अलग गए थे। नाम क्या है? नाम पता पूरा ये कौन सा जगह है? उनके पापा हैं, लड़का का पापा है, वो लाओ ना, वो वाला आप उनके पापा हैं? रुक जाइए सर, उनके पापा, हम उनके पापा हैं। हाँ ठीक, ये लड़का इस नाव में खटते हैं, ये लड़का क्या नाम है? मोहम्मद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन उर्फ टिंकू, उर्फ टिंकू। यहाँ आप देख सकते हैं इनका फोटो लगा हुआ है, और दूसरा कौन था? ये कौन है? ये नाती हुआ, मोहल्ले का हम ही लोग का नाती है खास, और ये नाती है, बबलू नाम है, नाम कुछ आओ है, उर्फ बबलू इसका भी नाम है, उर्फ में बबलू। कौन कौन आए हैं अभी? हम लड़का मेरा गया 4 बजे यहाँ से, जुमरात के दिन मछली मारने, यहाँ से वहाँ सीधी घाट, रात भर मछली मारा है, सुबह 3:30 बजे और लोग दो आदमी आए ना, दो नाव, तो उससे पूछे कि बाबू टिंकू नहीं आया है, उर्फ टिंकू वो नहीं आया अभी तक, तो कहते कि चाचा वो मछली मार रहा है, दर्द नहीं करवाया है, बता रहे हैं सर, बता रहे हैं सर। तो लड़का को जो वो पूछा ना अगला लड़का को कि मेरा लड़का नहीं आया, कहे कि चाचा वो मछली मार रहा है, तो हमको कॉल लगाओ बाबू, तो कॉल लगाया तो 3:30 बजे से, 3 से 3:30 बजे तक बात हम लोग में हुई है। जब अजान पड़ा तो अगला लड़का का मोबाइल बंद कर दो, अजान पड़ रही है, 3:30 बजे बंद किया है, 3:30 बजे दिन में? हाँ, भोर में, भोर में, भोर में, और 4:15 बजे मोबाइल स्विच बंद हो गया, फिर कॉल करते रहे, अभी 9 बजे से कर रहे हैं। 9 बजे जी सर। तो कौन कौन आए? अभी अभी एसपी साहब, अभी अभी आलमगंज थाना, आलमगंज थाना है, जूनियर एसपी आए हैं,
मैन एसपी जिनको बोला रहे हैं हम लोग, बड़े एसपी सीनियर एसपी वो नहीं आए हैं। हम लोग मेरा मांग है, मेरा लड़का दोनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दारू माफिया बंद करवाइए, दारू बग बंद करवाइए, दारू बंद करवाइए। हाँ सरकार कह रही है कि दारू हम सरकार कहती है कि हम दारू बंद कर दिया। नीतीश कुमार कहते हैं दारू बंद कर दिया। हम लोग हाँ दारू तो यहाँ रोड डेलिंग होता है, डेलिंग फायरिंग भी प्रशासन पर कर रहा है। कंप्लेन कहने की करें, हम उससे गोली खाएं, प्रशासन पर गोली चला जाती है तो क्या कंप्लेन। प्रशासन को चाहिए कि हफ्ता 10 दिन कंटिन्यू छापा पड़ना चाहिए। प्रशासन तो प्रशासन तो साथ में लेके आता है। अच्छा कोई आश्वासन दिए हैं कि नहीं? जी नहीं, जी नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आए तो क्या किए? कुछ यहाँ है बोल के अपने चले गए कि रोड खोल दो। हमारा मांग है कि 12 एसपी आई है, हम रोड खोल देंगे तो रोड ये जाम ही रखेंगे जब तक कोई। हाँ जब तक 12 एसपी ना आएंगे, एक महीना भी ना आएंगे तो हम नहीं हटेंगे। हम लड़का का पापा है, इसका नाना है, हम जहर खा के यहाँ मर जाएंगे लेकिन रोड नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं जा रहा था महात्मा गांधी सेतु, तो यहाँ रास्ते में मैं टोटो से जा रहा था, तो टोटो जैसे मैंने वहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो है एक साथ प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो जानने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ दो लोग जो है एक साथ जो है लापता हो गए हैं। दो दिन से ना, पांच दिन से कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, बीपे तो पता ही नहीं। आज तो मंगल दिन हो गया, नाव सहित गायब है, नाव सहित गायब, नाव भी गायब है, दोनों बच्चा गायब है। आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ मनोज पर शक है, मनोज कुमार। हाँ कौन है ये मनोज? ये दारू माफिया है, दारू माफिया है। ये चार भाई एक चाचा है, सब दारू माफिया है। ये जूली घाट के दीवान मान ला। आप थाना प्रभारी को बताए थे? हाँ बताए हैं, लिखा हुआ है। एक्शन नहीं लिए हैं कल परसों से, एक्शन नहीं लिए हैं। एक्शन लेता तो इनोवत होता, एक्शन तो लिया नहीं। कौन है दादी? हाँ मेरा नाती है। ये नाती हुआ, ये पोता हुआ, इनका ये नाती। पांच टका देखो उसके बीबी का ऑपरेशन। आइए हम जो है उनके बीबी से आप लोगों को मिलवाते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए एक साथ बहुत सारे महिला जो है यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे। बोलना चाहती हूँ, पहले बोलो, रुक ले। इसकी माँ को, इसकी माँ को देखिए ना, मेरा वहाँ आप देख सकते हैं। अपहरण किए हुए दोनों बच्चे को वापस लाओ। इसके बीबी है ये, हाँ एक महीना पहले भी ऑपरेशन हुआ। इसके बीबी छोटे छोटे बच्चे हैं, है इसके नैहर में कोई है? फोटो है यहाँ के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सभी लोग एक साथ प्रदर्शन पे बैठे हैं। इनका पूरा फैमिली यहाँ रोड पे आके बैठे हैं। सुबह से 9 बजे से ये लोग दर्शन प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अभी तक जो है थाना प्रभारी से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 6 दिन से ये बच्चे लोग खाना नहीं मिला। सास बाएं मुसम्मत है, वो सास है, कोई शासन नहीं है। घर किराया का है, कहाँ से किराया देगी? छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पहुँचेगी? उसके पास सलाहियत नहीं है। 6 दिन से माए मछली पे, वो देखिए माए है, 6 दिन से मछली बेचे नहीं जा रही, काची खागी। तो मैं सभी मीडिया प्रभारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना जितना हो सके आप लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ आके और ये चीज आप दिखाएं, ये सच्चाई। अभी 5 से 6 दिन हो गया है, अभी तक जो है कोई यहाँ से एक्शन नहीं लिया गया और सभी लोग भूखे प्यासे यहाँ रोड पे इतना धूप में आप देख सकते हैं तिरपाल टांग के यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि वहाँ और जो भी शराब माफिया है उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि यहाँ क्लियर बताया जा रहा है नाम है शराब माफिया कौन है और कौन ये चीज किया है। यहाँ थाना प्रभारी जो भी यहाँ FIR है वो करवा दिया गया और अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं सभी मीडिया प्रभारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग जितना जितना हो सके भारी संख्या में आके ये चीज सच्चाई दिखाएं और जितना जल्द हो सके इनको न्याय मिले। गंगा के किनारे सेल होता। यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है गंगा के किनारे रास्ते दारू सप्लाई बंद करो। तो आप लोग आए और ये चीज दिखाए और ये देखिए मैं आपको आधार कार्ड और इसका फोटो फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उठाइए तो यहाँ देखिए ये आधार कार्ड हुआ और ये फोटो हुआ। अगर आप लोग कहीं देखे हैं तो इनको ये लड़का बहुत मुसीबत ज्यादा है। इसी बाल बच्चा लड़का पत्थर मजदूरी करता था, बक्सा बनाता था। हम उसको बड़ा बहन हाँ। यहाँ देखिए बड़ी बहन भी प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आप यहीं थे जब ये घटना हुआ था? आप यहीं थे? हाँ यहीं थे। और ये कब से हुआ है? ये आज हो गया, 6 दिन हो गया। आप किसको आवेदन दिए?
एफआईआर करिए है। हाँ एफआईआर करवाए हैं 3 दिन पहले। ये देखिए एफआईआर कॉपी यहाँ देखिए थाना में दिए हैं। वहाँ क्लियर स्पष्ट लिख दिया है नाम किनका है और कोई एक्शन नहीं लिया गया है। छोटा बहन है। हम कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्या कर रहा है, दारू क्यों नहीं बंद कर रहा है, ये दारू की वजह से हुआ है। दारू ये कहता है नीतीश, ये दारू बंद होता तो शायद से ये घटना नहीं होता। कहता है नीतीश कुमार की बिहार में दारू बंद है। कहाँ दारू बंद है? घाट घाट पे, कई घाट पे दारू निकल रहा है। भटभटिया तो बड़ा जो जनरेटर वाला ना होता है उससे सप्लाई हो रहा है। दारू पहले सप्लाई बंद करे गंगा नदी के किनारे, नदी के किनारे जी गाय घाट में बदल रही है, हनुमान घाट में, राजा घाट में, फिर यहाँ पे हो गया इस्माइल घाट में, लॉर्डवा घाट में। स्पष्ट बता रहे हैं कि दारू सप्लाई होता है नाव से और फिर भी जो है थाना प्रभारी जो भी है वो उसको पकड़ नहीं रहे हैं। यहाँ क्लियर लिखा गया है स्पष्ट कि जो भी दारू सप्लाई करते हैं उसका नाम भी लिखा गया है और वहाँ थाना प्रभारी FIR भी यहाँ से लिखवाए गए हैं। फिर भी अभी तक इतना हो रही है, प्रशासन की कमजोरी से आते हैं, रुपया लेते हैं, चल जाते हैं, वर्दी बेचते हैं, प्रशासन वर्दी बेचते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो आखिर दारू, आखिर जब एक्शन नहीं लेता तब तो दारू बिकती है, जब एक्शन पुलिस ले लेगा तो फिर दारू कहाँ से बिकेगी, गंदगी दूर हो जाएगी। हम सबका रोजी रोजगार मछली मारना है। अगर इतना घटना होगा तो सरकार नौकरी दे कि कोई जीवित रहने के लिए कोई भी उपाय बताए। नहीं उपाय बता रहे तो आप सारा बंदी बंद कीजिए, दारू बंद कीजिए, दारू माफिया को बंद करें। ये दारू की वजह से घटना हुआ है। मैं सरकार से विनती है कि मेरा दोनों भाई को सही सलामत जीवित लाए, वापस लाए। पहला दिन किया कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन किया तो थोड़ा सा सामान लेते हैं, जैसे कि नाव का होता है बांस, और बाड़ी लगी उसी को बांसी को उससे बनता है, चलाने वाला, चलाने वाला होता है। ये दारू माफिया है, ये गायब हो गए हैं। नहीं वहाँ से माफिया वो मेरा भाई पड़ गया जो किया है ना कांड, दारू माफिया किया मनोज कुमार जो के जगह का नाम क्या है, दीवान माल लग रहने वाला है। अब मनोज कुमार पे पूरा यकीन है क्योंकि ये घटना ना हुई बहुत पहले से चलते आ रहा है कि जाता है मछली छीनता है, मारता है, पीटता है, तो आदमी पहले मेरे भगना को भी मारा था, दोनों बच्चा को मछली छीन लिया था, 5 आदमी से सामान लेके नाव पे चढ़ा था। उसका चाचा है मनोज का, 4 भाई है, सब वो ही 2 लफड़ के काम में उड़वा। मेरा भाई चोरी किया है, गुंडा है, डकैत है, तो इतना बड़ा न्याय क्यों हो रहा है? हम गरीब नहीं जी सकते हैं। इनका साफ साफ को जीवित वापस लौटा दिया जाए। जब तक नहीं आएगा यहाँ से कोई भी लोग हिलेगा नहीं, रात हो या दिन हो, 24 घंटे ही दोनों भाई नहीं मिलता है, ये रोड जो है जाम रहेगा। साफ साफ कहना है और जल्दी लीजिए इसका एक्शन जितना जल्दी हो सके। और हमको एसपी नहीं चाहिए, हमको एसपी से मतलब नहीं है, हमको मैन सीनियर ला के दीजिए, DM को ला के उतारिए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो हमको टाइम बताए कि कब तक मेरे भाई को वापस जीवित ला के दे सकता है। और जहाँ तक ये है कि जहाँ दारू बिकती है तो वहाँ छापा पुलिस नहीं देती है, आप पीने वाले को गरीब लोग के पकड़ के पुलिस बोलेगा। जो दारू बेचता है उनको पकड़िए, आप पीने वाले के मदद से आप दारू बेचने वाले को पकड़ सकते हैं। पुलिस क्या करेगा? पुलिस तो सही है, पीने वाले पुलिस क्या करेगा? पुलिस तो खुद पैसा खो रहे हैं, वो आता है 2-3 आदमी, पुलिस क्या गुंडा को मारेगा? गुंडा तो पुलिस को मारता है, गुंडा तो पुलिस को मारता है, पुलिस भागता है। अरे ताकत नहीं है पुलिस, पुलिस बताइए, हम लोग हमने गाड़ी बाकी रोजगार मिला, हम लोग का बताइए होना, लड़का तो 6 दिन से गायब है, 3 दिन से FIR हुआ, कोई एक्शन नहीं ले रहा, देखिए देखिए उनकी माँ है, उनकी माँ है, देखिए उनके मम्मी का क्या हाल है, रो रही है, खाए पिए खाई पी नहीं है पूरा दिन। मेरा बेटा मछली मारने गया था, गायब हो गया, दारू वाला पकड़ के नाव सहित मेरा गायब कर दी।
मिट्टी निकल गया, आसमान खा गया, जमीन निकल गया। इनका साफ साफ कहना है इनको कुछ नहीं चाहिए, दोनों बच्चा जो है एकदम सही सलामत आप पहुंचा दीजिए, ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाएगा और सब चीज शांत हो जाएगा। नाव नहीं देना, मत दे, दोनों बच्चे सलामत वापस चाहिए। मैं अब चुप रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन के साथ साथ दान भी गया, दान मिले या ना मिले हमको जन चाहिए, हमको आदमी चाहिए, आदमी चाहिए, आखिर बाल बच्चा है छोटा छोटा, पुलिस क्या कर रहे हो, पुलिस तो खुद घुसखोर है, पुलिस क्या गोली मार